दोस्तों दिल खुश हो जाएगा आप दोस्तों का अगर वीडियो एंड तक देखते हैं तो। दोस्तों यकीन जाने आप दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा। इतनी बेहतरीन और बहुत ही यूनिक ट्रिक लेकर आया हूँ, बहुत ही प्यारी ट्रिक लेकर आया हूँ आप दोस्तों के लिए। दोस्तों अगर एंड तक वीडियो देखते हैं तो आप दोस्तों को मज़ा आएगा, एंड तक नहीं देखनी दोस्तों तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाली। बेशक आप लोग अभी से वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तीन ग्रुप हैं, एक ब्लाइंड होम फॉर एवर, एक विजुअल असिस्टेंट टीवी इसी नाम से, एक कॉमेंट्री स्क्रीन रीडर के हवाले से, ठीक है। तो अगर आप इन तीनों में से ऐड होना चाहते हैं, हमारे चैनल के अबाउट में मैंने अपने नंबर का चैट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, और मैं आप दोस्तों को ऐड कर दूँगा। तो चलें दोस्तों चलते हैं अपनी ट्रिक के जानिब। Contacts, message, phone, apps list, watch, settings. दोस्तों आज की जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो क्या है, मैं वो उसके बारे में थोड़ा सा आप दोस्तों को बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपकी गैलरी में आपके फाइल मैनेजर के अंदर आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होती हैं, फ़ोटो होते हैं या ऑडियो होती हैं, जिनको आप जो है वो उनको सिक्योर करना चाहते हैं, उनको संभाल कर रखना चाहते हैं, ताकि आप चाहते हैं कि यार हमारे अगर कोई भी हमसे मोबाइल लेता है, ठीक है, और वो हमारी जो प्राइवेट जो आपकी वीडियो हैं, ऑडियो हैं या इमेजेस हैं वो कोई भी ना देख पाए, ठीक है, तो इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं। और मज़े के बाद दोस्तों ये है कि वो ऑडियो और वीडियो इमेजेस आपके ना तो गैलरी में रहेंगी ना ही तो आपके फाइल मैनेजर में रहेंगी, होंगी आपकी मोबाइल के अंदर, लेकिन वो कहाँ पर होंगी वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। इससे आप अपनी प्राइवेट वीडियो इमेजेस ऑडियो सेव करके रख सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपनी उस ट्रिक की जानिब। टॉर्च, दोस्तों ये आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर किसी से डाउनलोड नहीं होता। आप लोग, मैंने जैसे पहले बताया चैनल के अबाउट में मेरा नंबर है, ठीक है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे चैट का लिंक है, ठीक है। दोस्तों ये देखने में फ्लैश लाइट है, देखने में ये सिर्फ जो पार्शली मेरे दोस्त हैं या सैटेड जो दोस्त हैं वो इसको लाइट के लिए यानी कि रात के टाइम इसको लाइट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा छुपा हुआ राज है। वो क्या है, जो भी देखेगा वो यही समझेगा कि यार ये तो एक नॉर्मल लाइट वाली ऐप है, यानी कि रोशनी वाली ऐप है, फ्लैश लाइट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही छुपा हुआ जो राज है वो क्या है वो मैं आप दोस्तों को आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, टॉर्च, दोस्तों ये ओपन हो रही है। उससे पहले दोस्तों प्लीज़ मैं ऐसे ही जो है आप दोस्तों के लिए यूनिक ट्रिक लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे दिया हुआ जो बेल आइकन है, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल जो है ना ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो, ऐसी ट्रिक अपलोड हो, उसके नोटिफिकेशन आप दोस्तों को फ़ौरन मिल सके। तो दोस्तों ये ऐप ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मैं इसका कमाल दिखाता हूँ। जब आप इसको पहली दफ़ा ओपन करेंगे ना तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आएगा, ये देखें, टॉर्च, बस ये एक ही ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है, टॉर्च के नाम से, ये देखें टॉर्च, ठीक है, देखने में ये लाइट है। अब क्या आप दोस्तों ने क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये देखें टॉर्च, इस टॉर्च जो वाले ऑप्शन के ऊपर आप दोस्तों ने क्या करना है, डबल टैप लॉन्ग प्रेस करना है, डबल टैप लॉन्ग प्रेस, जिस तरह हम किसी व्हाट्सएप पे किसी मैसेज को डबल टैप लॉन्ग प्रेस करके किसी मैसेज को सेलेक्ट करते हैं ना, इस तरह अपने फिंगर को इसके ऊपर दबा कर रखना है, ठीक है, ठीक है, टॉर्च वाले बटन के ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दबा कर रखता हूँ, दोस्तों जैसे मैंने इसको डबल टैप लॉन्ग प्रेस किया तो यहाँ से ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, मैंने लेफ्ट टू राइट करके
अब अलाउ के ऊपर मैंने अलाउ के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, अलाउ, यहाँ मैंने अलाउ के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे दोस्तों मैंने अलाउ के ऊपर क्लिक किया तो इसने कहा आप यहाँ पे 4 डिजिट्स का पासवर्ड डालें। यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट तो आप दोस्तों को कीबोर्ड मिल जाएगा 1 2 3 4 5 वाला, ठीक है, 1। तो मैं यहाँ, आप दोस्त कोई भी अपने के लिए पासवर्ड डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 1 2, ठीक है, ये देखो 1 1 2 1 2 1 2। अब जब आप अपने 4 डिजिट्स का पासवर्ड डाल देंगे, आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप कीजिएगा तो यहाँ पे दोबारा से बोलेगा कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। तो मैं आप दोबारा से 1 1 2 दर्ज करूँगा, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। जब आप पहली दफ़ा पासवर्ड डालेंगे, जो भी डालेंगे, फॉर एग्जांपल 1 1 2, उसके बाद फिर वो आपने 1 1 2 डालना होगा कन्फर्म करने के लिए, ठीक है। मैं दोबारा से डायल करता हूँ 1 1 2 1 2 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने जैसे 1 1 2 के ऊपर मैंने उसको पासवर्ड कंफर्म किया, अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी के लिए कह रहे हैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी क्वेश्चन ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट क्वेश्चन, ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपने नहीं छेड़ना, वैसे आप कर भी सकते हैं लेकिन इसको छेड़ना नहीं है वैसे, ठीक है, जो हमारे ब्लाइंड यूजर हैं, ठीक है। आगे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, एंटर आंसर एडिट बॉक्स, एंटर आंसर एडिट बॉक्स, ठीक है, इसको भी नहीं छेड़ना। आगे स्वाइप करते हैं हम स्किप बटन, तो यहाँ से हम इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। जो पार्शली जो सेटेड है वो इसको जो है ना, आप स्कोटी के लिए जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो लेकिन हम नहीं करेंगे खामखा, क्यों हम जो है फालतू की चीज़ में जाएँ, ठीक है। एंटर, स्किप बटन, मैं यहाँ स्किप कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ स्किप कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, सेटिंग्स, सबसे पहला बटन आ रहा है सेटिंग, तो चलो एक दफा सेटिंग के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। नेविगेट अप बटन, तो सबसे पहला ऑप्शन है नेविगेट अप बटन, सेटिंग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, सेटिंग्स, फिंगर लॉक, तो जिन दोस्तों के मोबाइल में फिंगरप्रिंट है वो यहाँ से फिंगरप्रिंट भी ऑफ स्विच, यहाँ पे मेरे पास ऑफ दिखा रहा, तो आप लोग इसको ऑन कर सकते हैं क्योंकि मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फेक पासवर्ड, ठीक है। तो अब बस ये दो काम के इसके अंदर जो है वो सेटिंग अंदर दो ऑप्शन हैं, ठीक है, एक फिंगरप्रिंट वाला हमारे काम का ऑप्शन है, एक चेंज पासवर्ड वाला। तो अब यहाँ से मैं एक दफ़ा बैक कर दूँगा एक दफ़ा, ठीक है। अब हमारा दोबारा से फोकस सेटिंग के ऊपर है, यहाँ पे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, नोट्स, शेयर, ठीक है, notes. आप नोट्स भी अपने संभाल के इनको हाइड कर सकते हैं, ठीक है, इन चार चीज़ों, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो और नोट्स को। अभी फिलहाल दोस्तों मेरे पास कोई भी इमेजेस या वीडियो नहीं पड़ी हैं, तो दो ऑडियो पड़ी हैं मेरे पास, ठीक है। हालांकि सबका तरीका एक ही है, ठीक है, सबका तरीका, चाहे वीडियो हो, इमेजेस हो, ऑडियो हो, तरीका एक ही है। अगर मैं आप दोस्तों को ऑडियो के बारे में बताता हूँ तो वही तरीका वीडियो के लिए होगा, वही तरीका इमेजेस के लिए होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑडियो के ऊपर, ऑडियो के वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारा फोकस नेविगेट अप बटन पर है, ठीक है, तो यहाँ पे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, ऑडियो, ये इसका आइकन आ रहा है, नाम आ रहा है इसका, ठीक है। तो आगे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, क्रिएट फोल्डर, आगे स्वाइप करते हैं, वैसे मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट नहीं करूँगा। आगे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, वेब व्यू, इसका ये आ रहा है, आगे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, ये एक ऐड आया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको आपने छेड़ना नहीं है। हम आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, इंस्टॉल, ये जो ऐड है उसके बारे में कह रहा है। आगे स्वाइप करता हूँ, नो एल्बम जीरो, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, भी आपने कोई भी ऐड नहीं किया। आगे स्वाइप करता हूँ awesome, दोस्तों ये जो वाला ऑप्शन बोल रहा है ना, ठीक है, awesome, ये जो अजीब सा बोल रहा है, ठीक है, ये वाला हमारे ऑप्शन का जो है ना
काम का ऑप्शन है, ठीक है। ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक किया, अब यहाँ पर दोबारा से हमारा फोकस जो है वो नेविगेट अप बटन के ऊपर। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना ताकि आप दोस्तों को कंप्लीट समझ आ सके। आगे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, न्यू एल्बम, हाइड, ठीक है। ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी हुई छोटी सी, आगे स्वाइप करता हूँ, बस इतना ही है। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है हाइड, ठीक है। तो आप दोस्तों ने क्या करना है, हाइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे मैंने हाइड के ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पे दोबारा से हमारा फोकस नेविगेट अप बटन पर है। यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, ऑडियो सर्च, यहाँ सर्च भी कर सकते हैं हाइड, माय बेस्ट म्यूजिक MP3, ठीक है। ये मेरे पास एक फाइल है ऑडियो की, ठीक है। आगे स्वाइप करता हूँ, ब्लाइंड होम फॉर MP3, ठीक है। ये रून है हमारे जो ब्लाइंड होम फॉर आवर जो ग्रुप है उसके रून है, विजुअल असिस्टेंट टीवी के भी बहुत जल्द रूल बन जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप चाहता हूँ कि ब्लाइंड होम जो है इसको मैं हाइड कर दूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, जैसे दोस्तों यहाँ मैंने जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ब्लाइंड होम फॉर आवर वाले जो रून है इसको मैंने डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ, /2 यानी कि आपने एक जो है ना वो आइटम जो है सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मैंने एक फाइल सेलेक्ट हो चुकी है हमारी, ठीक है, ब्लाइंड होम वाली, ठीक है। अगर स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, सर्च, हाइड, हाइड, तो अब दोस्तों हमने ब्लाइंड होम को सेलेक्ट कर लिया है, तो अब ये हम दोबारा से हाइड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये देखें /2 आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट, सर्च, और सर्च के बाद आता है हाइड, हाइड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा वो जो ब्लाइंड होम फॉर एवर वाला जो फाइल थी वो हाइड हो चुकी है, ये देखें, ठीक है, ये हमारी हेड हो चुकी है। अब मैं यहाँ से एक दफा बैक करता हूँ, एडिट के ऊपर आप क्लिक करके इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ, एडिट के ऊपर क्लिक करके डिलीट, शेयर वाला ऑप्शन है, ठीक है, अनहाइड, ये देखें अनहाइड, यहाँ से आप अनहाइड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको जो आपने फाइल हाइड की हुई है इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर स्वाइप करता हूँ डिलीट कर सकते हैं, शेयर कर सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, ठीक है, जो उस फाइल का नाम है। लेकिन मैं यहाँ से एक दफ़ा बैक करूँगा, मैंने नेविगेट अप बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट, ऑडियो, ठीक है, दोबारा से एक दफा बैक करता हूँ नेविगेट अप बटन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, फिर वही वाला ऑप्शन हमारे पास आ चुका है, ठीक है, जो अजीब से ये टॉक पैक अनाउंस करता है, इसको भी मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अब दोबारा से हम आ चुके हैं वो वहाँ पर ही, ठीक है, ऑडियो वाले फोल्डर में। लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ, न्यू एल्बम, एडिट, हाइड, ब्लाइंड होम फॉरएवर ग्रुप, ठीक है, तो ब्लाइंड होम फॉरएवर ग्रुप रूल्स डॉट MP3 8.62 MB, ठीक है। तो दोस्तों तो यहाँ पे मैं आप दोस्तों को पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा, ब्लाइंड होम फॉरएवर ग्रुप रूल, अब ये जो फाइल है ना इसके ऊपर मैं डबल टैप लॉन्ग प्रेस करता हूँ, डबल टैप लॉन्ग प्रेस किया, नेविगेट अप बटन, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करता हूँ, अनहाइड, डिलीट, शेयर, सेलेक्ट ऑल, वही वाले ऑप्शन आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट जाता हूँ अपने जो फाइल मैनेजर है, जो मेरे डिवाइस का जो फाइल मैनेजर है उसमें जाता हूँ, वहाँ पर ये फाइल मेरी नहीं होगी। मैं पूरे आप दोस्तों को सबूत के साथ दिखाता हूँ, ठीक है। Contacts, messages, phone, apps list. Phone, apps list. Search, Gmail, FM, files. फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, Gmail, FM, files. Images,
videos, audio. Audio के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ. Navigate up, all, list, all. My best background, download, my best show file add. अब देखें दोस्तों. My best background music.mp. ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल है, ये देखें. Show. My best background music.mp3, 3.68 MB. पहले इसके साथ blind home forever वाले जो रूल थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पे एक ही फाइल नजर आ रही है. लेकिन वो जो ब्लाइंड होम वाले जो रूल थे वो अब हमने हाइड कर दिए हैं, वो उधर हैं, लेकिन यहाँ पर वो फाइल मैनेजर या गैलरी के अंदर वो शो नहीं हो रहे, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेजेस हो, सब का तरीका एक ही. अब मैं वहाँ पे जाता हूँ उस ऐप के अंदर और उसको अनहाइड करके आप दोस्तों को दिखाता हूँ. ठीक है, दोबारा से इस ऐप को क्लिक कर दिया है. ठीक है, तो दोबारा से ये जो हमारे सामने वही ऑप्शन आ रहा है टॉर्च. ठीक है, इसके ऊपर मैं डबल टैप लॉन्ग प्रेस करता हूँ. जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो टॉर्च वाले बटन पे डबल टैप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपसे पूछेगा जो आपने पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड देना होगा. मैं यहाँ देता हूँ वन वन टू टू. अब ये हमारे ऐप दोस्तों ये ऐड आ गए. और भाई हमने पागल नहीं होना भाई, हम पहले से ही ब्लाइंड ऊपर से पागल भी हो जाए. नहीं नहीं, हम नहीं होना चाहते. ये दोस्तों ऐड आ गया था बीच में. तो यार ये क्या आ गया है, इसको एक दफा बैक करते हैं दोस्तों. तो मैंने बैक हो चुका है दोस्तों. तो यहाँ पे अब मैं स्वाइप करता हूँ लेफ्ट राइट, फिर वही ऑप्शन आ गया है, सेटिंग, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, नोट्स. तो मैं ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ. नेविगेट अप बटन के ऊपर हमारा फोकस आ चुका है, स्वाइप करते हैं लेफ्ट राइट जल्दी जल्दी. क्रिएट फोल्डर, वेब व्यू, वीपीएन मास्टर लाइट. ठीक है, वही वाले ऐड आ चुका है, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट. इंस्टॉल न्यू एल्बम वन, न्यू एल्बम वन. ठीक है, न्यू एल्बम वन के ऊपर क्लिक करते हैं. नेविगेट अप बटन, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया न्यू एल्बम वन के ऊपर. स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट. न्यू एल्बम एडिट, एडिट, हाइड, हाइड, ब्लाइंड होम फॉरएवर ग्रुप रूल्स डॉट एमपी 3 8.62 एमबी. ठीक है, आप दोस्तों को हाइड ब्लाइंड होम फॉरएवर ग्रुप, इसके ऊपर मैं डबल टैप लॉन्ग प्रेस करता हूं. हाइड ब्लाइंड होम फॉर, मैंने डबल टैप लॉन्ग प्रेस कर दिया. शेयर, डिलीट, अनहाइड, अनहाइड, अनहाइड में इसको कर देता हूं. /storage/emulated/if/select/folder/storage/emulated. ठीक है, ये दोस्तों अब हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है. यहाँ पे स्वाइप करता हूँ लेफ्ट टू राइट. if select, cancel, कैंसिल, अनहाइड, अनहाइड. ठीक है, कैंसिल के बाद अनहाइड का ऑप्शन आएगा, इसको मैं क्लिक करता हूँ. हाइड. ठीक है, अब हम डायरेक्ट जाते हैं अपने फाइल के अंदर जो हमारा contacts, जो मेरा messages, phone, torch, जो मेरे मोबाइल का जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर मैं जाता हूँ. Gmail, FM, files. फाइल, फाइल को क्लिक किया. Blind Home Forever Group Rules dot m download selected all. अब देखें. Blind Home Show but my best background. Show Blind Home Forever Group Rules. अब दोस्तों यहाँ भी ये शो हो रहा है. तो दोस्तों आप दोस्तों ने देख लिया, कोई फेक नहीं है. मैंने आप दोस्तों को पूरे सबूत के साथ यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसे ही ट्रिक रहता हूँ. प्लीज इस वीडियो पर दोस्तों मुझे 50 लाइक चाहिए, 50 लाइक. दोस्तों आपको पता है मैं आप दोस्तों के लिए कितनी मेहनत करता हूं और सबसे हटकर सबसे यूनिक वीडियो लाता हूं. तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, मुझे इस वीडियो पे 50 लाइक चाहिए. और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक करके ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें. मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के अंदर, तो तब तक मुझे इजाज़त दें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.